पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। हर किसी नाम को अंत इतना नया वीडियो रे अपने नाम को सुगंध रहा। तो गाइस तीन ये क्या है? कुछ अलग लेवल रे, कुछ अलग टॉपिक रे थे बुन गालमरावा। तो गाइस गालमरा तो बांग मी हरबुन मैं कहानी सुनाता हूँ। गांव में एक बुढ़ऊ आता जो कहता बवंडर आएगा बवंडर। तो गांव वाले उसे दो रोटी देके अपने घरों में छुप जाते हैं। बवंडर नहीं आता। अगले दिन वापस बुढ़ऊ बोलता बवंडर आएगा बवंडर। तो गांव वाले वापस उसे दो रोटी देके घरों में छुप जाते हैं। ये करते करते एक हफ्ता निकल जाता है। फिर जब बुढ़ऊ बोलता बवंडर आएगा बवंडर तो एक गांव वाला कहता बवंडर तो आता नहीं है लेकिन ये भोसड़ी का हर रोज आ जाता है हमारी रोटी चरने, इसे भगाओ बवंडर अपने आप भाग जाएगा। कहानी का शीर्षक समझ रहे हो थारा भाई? गुतु रंगाविया। तो गाइस उनी दिलाबुन नेले कना आर तीनिया वीडियो दिलाबुन एहो एक। उनी तो हुई कथा बना गाइस आबुरेन मिस नीतु हेम्ब्रोम जोहार हेरु मिना कुंकी चुदा बाबू चुरलन पुरुमा। तो नेल के दाते या इन्हीं थोड़ा ही बड़ाई कर गया। हट बहनचो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आई नो वीडियो द ओकर हेट लागि ते द बाई बिना गदा नो जस्ट एंटरटेनमेंट लागि थिन चेयरमैन किदा एंटरटेनमेंट लागि थिन बिना गदा चेयरमैन किदा इन बई बुझोलदा आर पे दो मेन में एंटरटेनमेंट लागि थिन बिना गदा एंटरटेनमेंट लागि थिन बिना गदा एंटरटेनमेंट लागि थिन बिना गदा आर एंटरटेनमेंट ओब दिगे बंद होय। अच्छा ठीक गया एंटरटेनमेंट दिगे बंद होय आर मेन गदा जे इन अ रॉडिनस स्टाइल जा पता अमा रोड या स्टाइल इन एन ऑल द सब्सक्राइबर को बताए जे इन अ हॉरर रे काटी प्रॉब्लम दो मीना आ तो जी काइना नोए जागी तो इंग्लिश तो मौजदम रोडता एंटरटेनमेंट लागि थिन बिना गदा ते गाना बजाओ। सो गाइस तीनिया वीडियो दरिंग कागी तो तीनिया नुआ फर्स्ट रोस्टिंग वीडियो चल का बेगुदा लाइक कमेंट शेयर आर लेपे कमेंट रे जे मज पे गो है तो नुका वीडियो गी मेरा बड़ा तुमने। तो गाइस तीनिया वीडियो दरिंग कागी नपामुन अगले नवा वीडियो रे। तो बाय बाय जतको। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है, बाय। वो है तो हेलो यार सनम को गाती को तो हेलो सनम को तो जोहर के सनम को आंटी कौन है ये लोग कहां से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है ना रोजगार है ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगाने?